बहुत ही ज़्यादा लिफ्टेड गाड़ी है ये, सामने ले रहा था ये मैं। अगर इसी में हमारे समर टायर होते तो हम इतना स्पीड में नहीं चला सकते जितने में अभी चला रहे हैं। 70-80 किलोमीटर होगा यहाँ से माउंटेन, तो हम यहाँ पे डिलीवरी देने आए हुए हैं और बहुत गुड मॉर्निंग गाइस। अभी रात नहीं हुई है, सुबह का टाइम है। एक्चुअली जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल को देख के पता चल ही गया होगा आपको कि हम अमेज़न डिलीवरी करने जा रहे हैं सुबह सुबह। 2000 years later। तो गाइस डिलीवरी देते देते यहाँ पे मुझे एक गाड़ी दिखी, गाड़ी चेक करो, बहुत ही ज़्यादा लिफ्टेड गाड़ी है ये, थंबनेल ले रहा था ये, मेरे को लगता है 43 तो नहीं, इसको बहुत ऊँचे टायर पड़े हैं। Look at this piece. तो गाइस आगे सारी जो है ब्लैक आइस पे जो विंटर टायर्स हैं वो देखो कैसे कितने मस्त चलते हैं। अभी शीशा थोड़ा ख़राब है क्योंकि वॉशर फ्लूड ना, हम शीशा साफ कर करके वॉशर फ्लूड सारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे पानी नहीं डाल सकते, वॉशर फ्लूड डालते हैं जो -45, -52, -60 तक जाता है जो टेम्परेचर जहाँ पे हम गाड़ी ले जा सकते हो, पानी बिल्कुल ही जमता। तो लुक एट दिस रोड। तो विंटर टायर्स जो यहाँ के होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। अगर इसी में हमारे समर टायर होते तो हम इतना स्पीड में नहीं चला सकते जितने में अभी चला रहे हैं। इस पे हम 100 पे भी गए हैं स्पीड इसी रोड पे, बढ़िया है। गाइस देख सकते हो ब्लैक आइस हर जगह ब्लैक आइस है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम भाई कौन सी जगह आ गए यार। ये एक्चुअली माउंटेन का ना लाइक एक रूरल एरिया है, तो आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखो सारा जंगल है, पूरा जंगल है ये। और यहाँ से 60-65 किलोमीटर आपको ये हाईवे यहाँ पे है, देखो हाईवे कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। तो ये पूरा जंगल है और इसके पास में USA का बॉर्डर भी होगा। ये माउंटेन देखो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, नाना करते भी ना 60-70-80 किलोमीटर होगा यहाँ से माउंटेन, तो हम यहाँ पे डिलीवरी देने आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और रब्बा किस तरह बच गया? ओ है बंदे आया नहीं आया तो फिर किस तरह ना नहीं पार्सल जाके दिया तोड़ के। हाँ जा तू आ ले ले। तीन किलोमीटर कह रहे तू थू है पक्की गल है रोड ते बखा रहे हैं बिल्कुल साफ। मैं नहीं लगता तू रास्ता है ये देख ना रास्ता पूरा दस रहे फिर जी तू आए सो तू ही सी रास्ता सी। आहो चल हूं कोई नहीं तू भी है वो देख गड्डी गई थी ये तो पहले भी चल केड़ी गड्डी गई वो देख ना टायर पे निशान गड्डी के पता बेंच कदो गई है वाला भी नहीं आ सकता।
आगे देख वो फसन वाला नहीं है, केड़ा वाला वो आगे उधर जाना ही नहीं है, उधर लेफ्ट हो जाना है। पक्की गल है? देख ला सोच ला इत ही रस्ता कट ले तू, मोड़ कट ले पहले पूछ देख इत देखन दे ये दस रहे थे लिखा मिल गया ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆੜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ? ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗਏ। ਆੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो गाइज मैं एक्चुअली आ चुका था माउंटेन से, तो अभी बैठ के अपना व्लॉग देख रहा था। तो द थिंग इज़ कि आज है दूसरा दिन, मैं उस दिन रात को आ चुका था वापस, जिस दिन मैं डिलीवरी देने गया हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आके सुबह काम पे गया तो भी मैं सोया हुआ था। मैं बहुत मेरे को ना बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, बट अब नींद पूरी हो चुकी है, तो अभी रात के 8 बज रहे हैं, अब फिर से सोना है, नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी, सुबह फिर से काम पे जाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। तो अभी मैं बैठा हुआ था तो मैं सोचा यार वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं और साथ में आप सबके वो बाय बोल देते हैं। तो आज ये इसका वीडियो इतने तक ही था, तो कोशिश करूँगा व्लॉग डालने की, अगर डाल पाया तो, नहीं डाल पाया तो फिर सॉरी यार, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो बाकी चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जो है लाइक कर दो।